जितना भी इंसान मार्फत हासिल करता जाए उतना ही इबादत का शौक़ और जौक बढ़ता चला जाता है मुसलसल आप इबादत तो कर रहे होंगे ये तीन महीने मुसलसल माह शाबानुल माहबानमाजम और माह मुबारक रमजान अल करीम अल्लाह के हबीब हबीबात फरमाते हैं इन सारे महीनों में मुसलसल तीन महीनों में जो शख्स रजब शाबान और माहिर रमजान की हर रात और दिन में पढ़ते रही अलहमद आयतुल कुर्सी कुल या अय्युहल काफिरून सूरह फल सूरह नास

और चार सौ मरतबा अस्तफर व अतूबो अलही जो कर रहे हैं माशाला सुबहान अल्ला और जो अगर न कर सके हो तो अभी रजब की रातें बाकी हैं बस खुदा बंद आलम उसके गुना बख्श देगा चाहे वो बारिश के कतरों दरख्तों के पत्तों दरियाओं की झाक जितने ही क्यों ना हो परवदिगार इंसान के सारे गुना इस अजकार की बरकत से इन अजकार की फजीलत के साथ माह मुबारक के रजबो शाबान और माहिर रमजान के साथ बख्श देगा और आज की रात की नमाज चौबीसवीं रात की नमाज चालीस रकत है तो शायद चालीस रकत सुनकर कोई मोमिन या मोमिना परेशान ना हो एक साथ पढ़ने की हिम्मत ना हो तो इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़ लीजिए पहले दस पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आराम कर लें, फिर दस पढ़ लीजिए फिर दस पढ़ लीजिए और फिर दस पढ़ लीजिए चालीस रकत का मतलब जो नमाजें आपने पढ़नी हो वो बीस नमाजें हो जाएंगी दो दो रकत के एतबार से और अगर चाहें तो इसके बदले अपनी नमाज़े कज़ाय उमरी पढ़ सकते कज़ाय उम्री की नीयत कज़ाय उम्री के एतबार से होगी और तरतीब नमाज कजाए पंजगाना के लिहाज से होगी यानी कि फजर जोहर असर मगरब इशा दो चार चार तीन और चार नमाज मुस्ताफ पढ़ना है आज की रात में और तो चालीस रकत नमाज हर रकत में अलहम के बाद जो तलावत करना है आयत आमनर रसूल आमनर रसूल से आखरे सूरह बकरा तक और सूरह तोहीद एक मरतबा सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें देख के पढ़ लीजिएगा और सूरह तोहीद एक मरतबा इन सूरह खलास इसका सवाब ये कि पैगंबर इस्लाम इशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि आले। कि खुदा ताला ने इस नमाज के पढ़ने वाले को हजार हसनाता फरमाने का ऐलान किया एक हजार ने किया एक हजार गुनाह इससे दूर कर देगा इसके अलावा इसको इतना सवाब मिलेगा कि गोया उसने शब कदर को दर्क कर लिया हो सुबह अगर कोई आपसे पूछे कि माहिर रजब में शब कद्र को दर्द करने का रास्ता तो आप बताइए चौबीसवीं रात की नमाज का सवाल और सरकार खत्म यह मरतबा सल्लासात फरमाते जो शख्स माहिर रजब में चौबीस रोजे रखेगा तो मौत का फरिश्ता एक नौजवान की शक्ल में उसके पास आएगा जो उमदा दीबाज का लिबास सब्ज रंग का पहनकर जन्नत के सब्ज घोड़े पर सवार होगा उसके हाथ में मुश्क से खुशबू तर सब्ज रेशम और बहिश्ती शराब से लबरेज सुनहरी जाम होगा जो जाकनी के वक्त इस रोजेदार को पिलाएगा इस पर मौत की सख्तियों को आसान करेगा फिर इसकी रूह को सब रेशम में रखेगा तो इससे इतनी उमदा खुशबू उठेगी कि सातों आसमानों के रहने वाले इससे मुत्तर हो जाएंगे वो हौज हौज पैगंबर इस्लाम पर पहुंचने तक कब्र में भी शराब रहेगा और कब्र से उठते वक्त भी सराब होगा ये तमाम तर अजर स्वब उस रोजेदार के लिए अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि जो माह रजब के चौबीस रोजे मुकम्मल कर खुदा हम सबको माह रजब के सयाम और कयाम की फरमाए इलाही आमीन